हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मौसम वैसे ही है जैसे कल था, बिल्कुल ठंड है। लेकिन 12 बजे के करीब हल्की सी धूप निकल गई थी, तो उस धूप का कोई फायदा नहीं है, बाहर बैठ ही नहीं सकते हैं, ठंड लग रही है। और मैं बस अब लगी हूँ साग बनाने। पहले तो उसको छांटूंगी, हेल्प लूंगी अपने भाइयों की, क्योंकि मेरा भाई लाडी है वो भी कल शाम को आ गया था। उसने किसी काम से पटियाला जाना था सुबह, तो वो पटियाला तो होके आ गया। बस मैं अब चाय बनाने लगी हूँ, हम सब पियेंगे चाय और साथ में साग छांटूंगी क्योंकि बनाना है रात को, तो इन दोनों की हेल्प लूंगी। ये देखो, ये लाडी है जो लेटा हुआ है। तो कल शाम को आ गया था ये, और बाहर है मेरा आदि। ये गोप्रो ले रहा है मामू का, ये भी वीडियो बना रहा है। और बाहर देखिए मौसम, हल्की धूप है बहुत। दिखाओ मुझे, चाय डालनी है बेटे। इसको पहले साइड में बंद करके, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू बैठ के सिर्फ मूवी देख, एडिट करेगा तू। पर ये हम लाए थे पीनट्स मंडी से। ना लू ना सर, कल तो दिन खड़ी है जब लेके नहीं गया। भाई रे, दरवाजा खुला है, लड्डू अपने भाइयों के साथ और आदि के साथ। वैसे ही दिल कर रहा था जाने का, जाए आते हैं मंदिर, और साथ में मैंने कुछ पूछना भी है पंडित जी से, तो इसलिए जा रही है। और साग तो मैं रख के आ गई हूँ, बन गया है, बस अब घोटना रह गया, उसको तड़का लगाना बस। चलो देखो कितना अच्छा सजा रहा है। वाह, ओह कितना अच्छा है। मंदिर गई पर पंडित जी से जो पूछना था वो उनको कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, तो बस कोई बात नहीं, नहीं पता चला तो कुछ पूछने जाना था कुछ। अब मैंने पूजा भी कर ली है, बस अब साग बनाने की तैयारी। और आदि बैठा है अपने मामू के साथ, इतनी जोर जोर के मारता छाती पे गधा। और तूने पढ़ना नहीं है? पढ़ लिया। क्या पढ़ा तूने? हैं? और अब नहीं पढ़ना? भैया जाएंगे तो तब पढ़ेगा, बता। तंग कर रखा है इन लड़कों ने। आदि आप जाओगे नानी हाउस? चला जा मामू के साथ गाड़ी में। छुट्टी में जाएगा? तो फ्रेंड्स, लाडी तो रात को 8 बजे चला गया था। मैंने उसे बोला था रह जा, पर वो कहता नहीं मुझे जाना है, घर में काम है जरूरी, तो चला गया। अब देखो ट्यूसडे को आएगा। और आज मौसम थोड़ा ठीक है, ये देखो आपको दिख रही होगी धूप निकल गई है, पर अभी 12:30 बज गए, 12:30 बजे निकली है, और सुबह इतनी ठंड थी ना बहुत ज्यादा। हब्बू फीवर ठीक है? हैं, अब ट्यूशन जाइयो, 1 बजे ट्यूशन है तेरी। ठीक है, अपनी जैकेट वगैरह अच्छे से, कैप और ग्लव्स लेके, मतलब पाके जाइयो। ठीक है। हाँ, मैंने इसको पहले ही कहा था कि अपना ध्यान रख, अभी एग्जाम होने वाले हैं इसके 15, मेरे ख्याल से 21 फरवरी से इसके स्टार्ट है, तो बहुत कम टाइम है अभी प्रिपरेशन का, तो अभी अपने तबीयत ठीक रख, अच्छे से फिट रख अपने आप को, क्योंकि अगर फीवर हो जाता ना फिर 2-3 दिन बंदा बिल्कुल वो रहता है, रेस्टलेस, और दिल भी नहीं करता कुछ करने का। तो अभी 2 दिन से इसकी कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। अब मैंने इसको बोला अपना ध्यान रख पूरा। फिर बैठ गया तू?
हब्बू पढ़ाई कर, चल जाके थोड़ी देर, एक बजे ट्यूशन है तेरी, रिवाइज कर ले फिर मैम बोलेगी। धूप में बैठ जा थोड़ी देर, और वो पहन ले मोटे कपड़े, पा ले थोड़ी सी जैकेट। आज मेरी आदि की ना चोट लग गई है ना आदि, देखो यहाँ पे क्रोच, देखो क्रोच दिखाओ, थोड़ा सा दिखाओ इधर करके, ये देखो, और ये साइकिल से गिर गया था आज, ये ना है ना, फास्ट चला रहे थे साइकिल आप? नहीं फास्ट नहीं चला रहे थे? नहीं मैं पीछे गिर गया, पीछे को गिर गया इसने, पीछे की जो बैक वो होता है ना, बैक को स्टैंड करने वाली वो इसने उतरवा दिया अपने पापा से, और गिर गया लड्डू आज ये। ओ मेरा बेटा सुंदर सा, मेरा बेटा। और मामू क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है मामू। क्या फोन तो नहीं चलाते? चला देख के आते हैं। अच्छा पढ़ रहा है ये, इसका दिल तो नहीं करता पढ़ने का, है ना? हैं हैं नहीं, चलो आ जाओ इधर, इधर हाथ नहीं करते, इधर हाथ नहीं करते, इधर हाथ आ जाता है बेटे, आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। आदि ना सीक्रेट टॉक कर रहा था मामू से, क्या कह रहा था कि मामू आप पढ़ाई कर लोगे तो मैं सोने आ जाऊंगा आपके पास। इधर का स्टार्ट है। स्टार्ट है। ये अपने मामू से पूछने आया कि जब ये पढ़ लेगा मैं सोने आ जाऊं। बाय, बोलो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अच्छे से बोलो नू, बोलो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्या सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।